देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कालिदास कोलंबकर कभी कांग्रेस में रहने के बावजूद भी कभी कांग्रेस के हुए ही नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अभी तक चार पार्टियां बदल चुके हैं। वो खुद के स्वार्थ के लिए किसी भी पार्टी में कल जा सकते हैं। पहले सेना में थे, स्वाभिमान पार्टी में, फिर कांग्रेस, फिर अभी बीजेपी। तो ये ऐसे शख्स है, इनको खुद का वजूद या खुद का जमीर कभी नहीं है। तो ये जाने से कांग्रेस का कुछ भी नुकसान हुआ नहीं है, उल्टा कांग्रेस आज साफ सुथरा हो गया, कांग्रेस स्वच्छ हो गया। कोलंबकर ने ये लोकसभा इलेक्शन में शिवसेना उम्मीदवार का प्रचार किया था, तो आमदार ने प्रचार करने के बावजूद खाली 4,000 वोट अगर ज्यादा मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आमदार के साथ हमारे विधानसभा के लोग नहीं है। उन्होंने इस आमदार के बारे में अपना दिल और मत बना लिया है कि इनको अभी जिताना नहीं है, इनको अभी घर बिठाना है। हम यहाँ कांग्रेस का झंडा लेके कालिदास कोलंबकर के खिलाफ, जब भी वो सेना में थे तभी भी हमने कांग्रेस को यहाँ जिंदा रखा, और हमारा चेहरा, हम प्रवक्ता होने की वजह से हर घर घर में जा चुका है, और हम यहाँ पैदा हुए, हर शख्स, हर बूथ का, हर बिल्डिंग का आदमी हमें पहचानता है। तो जितना उनका चेहरा आप बात कर रहे हैं उससे ज़्यादा पहचान आज हमारी है, कांग्रेस पार्टी की है। कोलंबकर साहब जाने से यहाँ कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है। इस बार हम खुद इनके खिलाफ लड़ने वाले हैं, तो अभी इनकी जीतने की कोई गुंजाइश नहीं।